बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फूड एंड ब्लॉग्स बाय शफीक। आज हमने बनाया है रमज़ान स्पेशल पकोड़ा प्लेटर, और ये देखें माशाल्लाह तीन किस्म के हमने पकोड़े बनाए हैं। आलू वाले पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े, और ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी। तीन किस्म के हमने पकोड़े बना लिए हैं, और उसके अलावा दो किस्म की हमने चटनी ले लिया साथ। और ये खजूर अगर आप खाना चाहते हैं काट के इसके अंदर बादाम लगाएं, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, और साथ में जमेशीरी। आइए देखते हैं ये प्लेटर कैसे बनता है। बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चीज़ें जो ले ली हैं, पुदीना, प्याज, आलू और सब्ज़ मिर्च हमने ले लिए। ये सारी चीज़ें एक बॉल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून में डाल रहा हूँ, आप सायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया ऐड करेंगे, 2 टीस्पून में सूखा धनिया ऐड कर रहा हूँ। बेसन ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसमें हमने ज़्यादा बेसन नहीं डाला ताकि ये क्रिस्पी और लच्छेदार बने। आप अगर चाहें तो बेसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं। और अब हम तैयार कर लेंगे दूसरी साइड पर आलू, और ये देखें ये रिंग्स में हमने काट ली हैं प्याज, तो इनका बैटर भी तैयार कर लेते हैं। बेसन ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया, ब्लैक पेपर पाउडर हस्बे ज़रूरत, और इसके अलावा थोड़ी सारी अजवाइन और कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाथों की मदद से डाल रहा हूँ, आप अगर चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह लच्छेदार पकौड़े। साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें एक साइड से हो गए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जी फ्रेंड्स, तो पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इनकी। तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। और आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। अभी हम आलू वाले पकोड़े तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आलू को उठाएंगे और बैटर में लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, और जो जो गोल्डन हो रहे हैं उनकी साइड चेंज कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखें आलू के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, अभी हम इनको निकाल लेंगे डिश में। प्याज के पकोड़े डाल लेंगे बैटर में इस तरह डिप करके। बिस्मिल्लाह। साइड चेंज कर लेंगे। प्याज के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह इनकी भी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है, क्रिस्पी।
सारे पकोड़े हमने निकाल लिए हैं, आइए भी डिश आउट करके दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें प्लेटर हमारा तैयार हो चुका है, तीन किस्म के पकोड़े हैं माशाल्लाह, ये देखें। तो इसी के साथ शफीकुर रहमान को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।